जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल टाटा ऑटो टेक में। दोस्तों आज जो गाड़ी मेरे पास है वो टाटा सिग्ना 5530 और कस्टमर जो है दो तीन वर्कशॉप में जाके आ चुका है और उसकी जो दिक्कत है, कंप्लेंट जो है कस्टमर की कि दो तीन किलोमीटर चलने पर गाड़ी में जो है कोई बत्ती आ जाती है और गाड़ी खुल के नहीं चलती, यानी बिल्कुल ही मर रही है, चढ़ाइयों पर चढ़ नहीं रही है। तो हमने इसमें अभी लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है, चलिए हम लोग लैपटॉप पे चलते हैं पहले कि इसमें क्या फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा है और इसके बाद हम लोग जो है चेक करेंगे गाड़ी को कि इसमें क्या दिक्कत है। तो क्या लैपटॉप कनेक्ट हो गया भाई? चलो लैपटॉप जो हमारा कनेक्ट हो रहा है और ये कनेक्ट होने के बाद में हम लोग इसको बारीकी से चेक करेंगे। जब तक हमारा लैपटॉप कनेक्ट होता है मैं आपको मिलाता हूँ हमारे साथियों से। ये मुकेश भाई है, आपको इन्होंने प्रो कबड्डी में खेलते हुए कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। और ये असलम भाई और साथ में सोहेल भाई जो तारा सितारा का किरदार करते हैं और बाकी लोगों को आप अच्छे से जानते ही हैं। चलिए लैपटॉप लैपटॉप हमारा कनेक्ट हो चुका है और अब हम लोग देखते हैं इसमें फॉल्ट कोड। फॉल्ट कोड जो है आप देखिए इसमें 3232 जो फॉल्ट कोड है वो शायद नॉक सेंसर का, ये आफ्टर ट्रीटमेंट वन इनटेक नॉक सेंसर अपडेट का कुछ ऐसा आ रहा है। और दूसरा 4489 ये तो समझिए एक दोस्त होता है किसी भी कोड का जो हमेशा साथ में आता है। और तीसरा जो इसका फॉल्ट कोड है वो है 0125 और ये है इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर। तो इम्पोर्टेंट जो इसमें देखने वाला कोड है वो है 0125 क्योंकि ये इनएक्टिव आके गया हुआ है तो हो सकता है इसकी वजह से ये कोड आया है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो बता रहा है कि इसका इनटेक का जो प्रेशर है वो बिल्कुल कम है। तो चलिए हम लोग डाटा में चलते हैं और इसका इनटेक का प्रेशर चेक करते हैं, क्या क्या वाकई में इसका प्रेशर कम है या इसका नॉक सेंसर ख़राब हो गया है या कुछ और तकलीफ़ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डाटा ही चेक करेंगे। सो डाटा पे मैंने डबल क्लिक किया है और डाटा हमारा खुल रहा है। डाटा है जो खुलता है, खुलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे ऑल पैरामीटर पे डबल क्लिक मारना है। जब ऑल पैरामीटर पे आप मारोगे तो आप लोग देखिए यहाँ से आप सूट मास वगैरह जो भी है गाड़ी का पूरा डाटा चेक कर सकते हैं। और हम लोग अब नीचे जाएंगे इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर पे। सो ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर 00 KPA, चलिए हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और फुल हाई आरपीएम पे, जितना गाड़ी का आरपीएम होता है एक्सीलेटर पे, इसका जो ये प्रेशर है लगभग 45 से 50 होना चाहिए। लगभग वैसे तो 50+ होना चाहिए लेकिन 45 से 50 भी हम लोग सही मानते हैं। क्या इसका प्रेशर इतना है उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। चलो गाड़ी स्टार्ट करो, पूरी रेस मारो। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, देखिए वो ड्राइवर साहब जो है बैठे दबाओ और फुल आरपीएम हमने इसका दबा दिया, एक्सीलेटर जो है फुल दबाया हुआ है। आप लोग देखिए इसका जो इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर है वो बिल्कुल जीरो है और सबूत के तौर पे आपको देखिए एक्सीलेटर जो है परसेंट लीवर वो 100% है, यानी एक्सीलेटर पूरा दबा हुआ है स्टार्ट गाड़ी में लेकिन इसका जो प्रेशर है बिल्कुल जीरो। यानी हमें जो अब शक जा रहा है वो टर्बो पे और इनटेक लाइन पे, या तो इसका टर्बो पूरी तरह ख़राब हो चुका है या फिर इसकी जो एंटीकूलर वगैरह है वो कहीं से फट गया है। अगर वो फट भी गया है तब भी थोड़ा बहुत प्रेशर इसमें जाना चाहिए क्योंकि बचा हुआ प्रेशर जो है थोड़ा बहुत तो वहाँ तक इनटेक सेंसर तक पहुँच ही जाता है लेकिन कहीं ना कहीं इसके टर्बो में ही मिस्टेक है। चलिए हम लोग सर्च करते हैं। चलो भाई इसका टर्बो का पाइप खोलिए, खोलो और स्टार्ट करते हैं गाड़ी, चेक करो क्या वो प्रेशर दे रहा है। तो चलिए अभी टर्बो का पाइप खोलता हूँ मैं और गाड़ी के ऊपर जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या वहाँ पे प्रेशर इसका आ रहा है। फाइनली दोस्तों मैं गाड़ी के अंदर पहुँच गया हूँ और हमने टर्बो का पाइप पे जो यहाँ से इसमें निकाल लिया है और पाइप निकालते निकालते हमें मिस्टेक जो है हमारे बिल्कुल सामने आ चुकी है। ये देखिए ये टर्बो जो है इसका पूरी तरीके से देखिए पूरा हिल रहा है। तो इसका जो राड है टर्बो का मेन वो इसका टेढ़ा हो चुका है और या फिर वो टूट चुका है, इसकी वजह से ये जो प्रेशर बिल्कुल नहीं दे रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भी इसमें प्रेशर नहीं है। एक बार आप ऊपर आओ और गाड़ी थोड़ा ज़रा स्टार्ट करो, एक मिनट हो गया। हाँ वी साइड में आ जाओ,
ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे हाथ लगा के दिखा देता हूँ, और इसमें जो है ऑयल लाइट इसमें चालू नहीं हो रहा। ये देखिए पाइप के अंदर आपको ऑयल भी दिख गया होगा, ये ऑयल आ चुका है, यानी टर्बो इसका खराब हो चुका है, और खराब इतने भयंकर तरीके से हुआ है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आ रहा। स्टार्ट देख लेते भाई, स्टार्ट गाड़ी गाड़ी जो है अभी बंद कर देता हूँ, क्या कोई स्टार्ट गाड़ी को बंद कर रहा है? नहीं पाओगे आप, बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं बिल्कुल से बंद कर रहा हूँ, ये हिल भी नहीं रहा है। सो मतलब मेरा हाल ही नहीं रहा है, टर्बो इसका पूरी तरीके से फेल हो चुका है। हम लोग इसका टर्बो खोलेंगे, टर्बो को चेंज करेंगे। उम्मीद तो आपको जो पसंद है, अगर वीडियो आपको ऐसे भी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और अपने के साथ कर दीजिए।